अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमी फाइनल हम सब ने एंजॉय किया। बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बैटिंग, बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस को हम सब ने एंजॉय किया और लगता है बाबर अपनी फॉर्म में दोबारा से आ रहे हैं। और अगर बाबर इसी तरह से परफॉर्म करते रहे तो यकीनन ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान का होगा। और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं और लोग पाकिस्तान का फाइनल किसके साथ देखना चाहते हैं, आइए हम जानते हैं। फाइनल हम चाहते हैं कि कल इंडिया जीते और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। फाइनल कल जीतेगा इंडिया और फाइनल में हम उनके साथ मुलाकात करेंगे। बाबर ने प्रूव किया है कि वो बड़े मैचेस का बड़ा प्लेयर है। वो वक्त आने पे बहुत अच्छा खेलता है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेगा। प्राउड है हमें उस पर, अपने कैप्टन पे और पूरी टीम पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो फाइनल भी अच्छा खेले और इंडिया इंशाल्लाह फाइनल में आएगा तो हम इंडिया से भी जीत जाएंगे। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी क्योंकि उसमें काफ़ी प्लेयर्स ने अच्छा खेला है और हमारे अकेडमी वाले सर बहुत अच्छी है। हम गए मैच देख रहे थे, उन्होंने हमें छुट्टी दे दी और आगे भी इस तरह हम अच्छा खेलेंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेंगे, फाइनल भी जीतेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, बाबर और रिजवान ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। माशाल्लाह पाकिस्तान जीत गया, इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे हम। फाइनल इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान का पड़ेगा और फाइनल ही पाकिस्तान ही जीतेगा। पहले तो शहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और शुरू में ही पावर प्ले में ही दो विकेटें लेनी है उन्होंने। फिर उसके बाद बैटिंग में हमारे बाबर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फाइनल इंशाल्लाह ताला हम इंग्लैंड के साथ देख रहे हैं। इंडिया के साथ, इंडिया इंशाल्लाह नहीं, इंडिया नहीं करता जीता, लेकिन इंग्लैंड के साथ जिता के 92 का जो रिकॉर्ड है इंशाल्लाह दोबारा वापस लेके आएंगे। वर्ल्ड कप जीतेगा। जी तो नाज़रीन, लोगों के तासुरात और लोगों की एक्साइटमेंट हमने आप तक पहुंचाई और लोगों का कहना है वो पाकिस्तान का फाइनल मैच इंडिया के साथ देखना चाहते हैं और हम भी पाकिस्तान का फाइनल मैच इंडिया के साथ देखना चाहते हैं। अभी के लिए मुझे दे इजाजत, आप देखते रहें डिस्कवर पाकिस्तान।